हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी स्टडी। आई होप आपने हमारी पिछली वीडियो जरूर देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार चैनल पे विजिट करके जरूर देख लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीए में हैं, इस पर ऑलरेडी 1400 वीडियोस अपलोडेड हैं बीए से रिलेटेड, तो आप जाओ देखो, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। जिस भी आप ईयर में है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट है, जिसमें आपका पूरा सीरीज वाइज आप पूरा पा सकते हैं। ओके, तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के बारे में, राजनीति शास्त्र के बारे में। इस पर ऑलरेडी हमने इसका सिलेबस, आपका नया वाला सिलेबस दे दिया है कि इस ईयर आपका सिलेबस क्या होने वाला है। एंड उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अब धीरे धीरे हम आपका एक एक क्लास लेकर के आने वाले हैं, एक एक चैप्टर आपका कवर होगा। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं पहले चैप्टर के बारे में। हम चैप्टर के बारे में बात करेंगे, चैप्टर पूरा डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, पूरे क्वेश्चन आपके कवर कराए जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पेपर वन का आपका पहला चैप्टर है, इसका नाम है शक्ति, प्रभाव, सत्ता और वैधता। क्योंकि आप जैसे ही पॉलिटिकल साइंस की बात करोगे, राजनीति की बात करोगे, तो उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। शक्ति, वैधता, सत्ता, प्रभाव, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। और आज हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे उसमें और आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है क्या, शक्ति, पावर। शक्ति क्या होती है? तो देखो, राजनीति विज्ञान में शक्ति का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इनफैक्ट कई सारे विद्वानों ने तो राजनीति को शक्ति का विज्ञान ही कहा है। कई सारे विद्वानों ने कहा है कि राजनीति जो है वो शक्ति के बिना नहीं की जा सकती, और राजनीति अपने आप में एक पावर है और ये एक पावर देती है। एंड अगर आप नॉर्मली भी देखोगे अपने आसपास या अपने समाज में, कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति शासन में आ गया, जो व्यक्ति सरकार में आ गया, वो पावर में है, उसको शक्ति है। यानी कि ये विधायक बन गया, वो पावरफुल हो गया है, सांसद है पावरफुल है, सीएम है पावरफुल है। मीन्स क्या कि ये आपको एक पावर देता है, आपको एक शक्ति देता है, राजनीति आपको एक शक्ति देती है। तो शक्ति क्या है अपने आप में? वो है जो जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्ति के विचारों, उसके एक्शंस, उसके कार्यों पर प्रभाव डाल सकें, या उसके कार्यों को अपने मनचाहे अनुसार चेंज कर सकें, या उसके बिहेवियर को अपने मनचाहे अनुसार चेंज कर सकें, वो कहलाता है शक्ति। अब शक्ति को के बारे में अपना विचार रखते हुए कई सारे विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी है, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मैक्स वेबर के बारे में, कि मैक्स वेबर क्या बोलते हैं शक्ति के बारे में। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि शक्ति का अर्थ है किसी सामाजिक संबंध के अंतर्गत, यानी कि समाज का संबंध, जैसे जनता है, जनता का अपने नेता से संबंध है, विधायक से संबंध है, सांसद से संबंध है। तो दो लोगों का या आपस में जनता और नेता का जो संबंध है, सामाजिक संबंध, इसके अंतर्गत एक कर्ता द्वारा, एक कर्ता जो है उसके द्वारा दूसरे की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से कार्यान्वित करने की जो संभावना है कि उसको चेंज किया जा सकता है, इसको कहते हैं पावर। यानी कि एक व्यक्ति है, जैसे एक नेता है, वो अपनी जनता के इच्छाओं के विरुद्ध भी जाकर के, जनता नहीं चाहती है वो चीज, फिर भी उसके विरुद्ध जाकर के अपनी इच्छा को कार्यान्वित करने की संभावना कि वो कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, इतना उसके पास पावर है, उसके पास एबिलिटी है। इस पावर, इस एबिलिटी को ही शक्ति कहा जाता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहने वाले हैं मैक्स वेबर महोदय। ओके, इस पर अपना विचार रखते हुए कापलान महोदय कहते हैं कि शक्ति संगठित क्रिया द्वारा किसी आयोजन को पूरा करने की एक योग्यता है। कि एक संगठित क्या है? क्रिया। संगठित क्रिया के द्वारा कोई भी आयोजन, कोई भी चीज है, उसको पूरा करने की एक एबिलिटी, एक योग्यता, एक क्रिया ही कहलाती है आपकी शक्ति। शक्ति पर अपना विचार रखते हुए रॉबर्ट बायरस्टीड कहते हैं कि शक्ति बल प्रयोग की क्षमता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। यानी कि जो पावर है वो आपके पास एक क्षमता है, एक एबिलिटी है कि हाँ, आप अगर एमएलए हो, आप सांसद हो, या आप बहुत पावरफुल हो, आप बॉडी बिल्डर हो, वो आपकी शक्ति क्या है? एक क्षमता है कि इतना पावर आपके पास है, ना कि उसका वास्तविक बल प्रयोग कि आप जाकर के हमेशा किसी के ऊपर बल प्रयोग ही करोगे। लेकिन बैक ऑफ द डे, बैक ऑफ द एंड आपको पता होगा कि हाँ, ये एबिलिटीज है, ये पावर है, ये शक्ति है। तो इसको कहते हैं हम शक्ति, ऐसा बायरस्टीड महोदय कहते हैं। इस पर अपना विचार रखते हुए बटरेंडसेल कहते हैं कि शक्ति का तात्पर्य है मनचाहा प्रभाव पैदा करना। यानी कि पावर वो है जहां पर आप अपनी मर्जी के अनुसार प्रभाव पैदा कर सकें, लोगों पर इंपैक्ट डाल सकें, लोगों के जीवन में कुछ चीजें चेंज कर सको अपने दम पर, अपने मनचाहा अनुसार, कि मैं ऐसा चाहता हूं तो ऐसा हो जाए। अगर कोई इतना पावरफुल है, वो कहलाएगा आपका शक्ति, वो चीज कहलाती है आपकी शक्ति, जहां आप दूसरे के व्यवहारों को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो ओके, ये सब समझ में आया हमें कि शक्ति के प्रभाव, शक्ति के प्रकार हमने देखा, मतलब शक्ति क्या है, किस भाषा में लोगों ने इसको दर्शाया हुआ है कि ये है जिसके अनुसार, जो अपने अनुसार दूसरों की क्रियाओं को भी चेंज किया जा सके। एक पावरफुल व्यक्ति है, एक शक्तिशाली व्यक्ति है, वो अपने अनुसार दूसरों के व्यवहार, दूसरे की भावनाओं, दूसरों की स्थितियां को चेंज कर सकता है, वो कहलाता है आपका पावर। अब जो ये शक्ति है, ये शक्ति हमें मिलती कहां से है?
ये शक्ति का स्रोत क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक आपका वही आता है, शक्ति के स्रोत क्या है, कहां से वो पावर आता है जहां से हम दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर अपना इंपैक्ट डाल सकते हैं, दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरों के व्यवहारों को चेंज कर सकते हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं, कौन से स्रोत हैं। तो इसमें सबसे पहला स्रोत आता है आपका ज्ञान। ज्ञान किसी भी जगह पर शक्ति प्रदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसके द्वारा बड़े से बड़े सम्राट को, बड़े से बड़े संविधान को, बड़े से बड़े सिंहासन को भी हिलाया गया है। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास शक्ति है, वो उसका प्रयोग, अगर ज्ञान का उसने प्रयोग करना अच्छे से सीख लिया है, तो वो उसके पास शक्ति है, उसके पास पावर है, और वो उस ज्ञान का उपयोग करते हुए कुछ भी कर सकता है, कोई भी चीज, कुछ भी वो अचीव कर सकता है। तो शक्ति अपने आप में बहुत पावरफुल है, और ये दूसरों की भावनाओं, दूसरों की इच्छाओं, दूसरों के अनुसार कि उसको, अगर आपके पास ज्ञान है कि दूसरे को मैनिपुलेट कैसे करना है, दूसरों के व्यवहारों को कैसे चेंज करना है, दूसरों की मानसिकता को कैसे चेंज करना है, और आपके पास उस चीज का ज्ञान है, तो आप उसका यूज करते हुए सामने वाले पर इंपैक्ट डाल सकते हैं, अपना प्रभाव डाल सकते हैं कि आप इतने ज्ञान वाले हो, आपके पास ये नॉलेज है, आपके पास ये स्किल्स है। तो आपके ज्ञान के थ्रू भी क्या हो सकता है, दूसरों पर प्रभाव डाला जा सकता है, शक्ति प्रदर्शन किया जा सकता है। एंड शक्ति का दूसरा स्रोत है आपका प्राप्तियां और उपलब्धियां, यानी कि जो चीज आपको प्राप्त हो जाए, कोई पोजीशन आपको समाज में प्राप्त है, कोई स्थिति आपको प्राप्त है, या कहीं आप जा रहे हो, आपको कोई उपलब्धि प्राप्त है, तो वो चीज भी आपके लिए एक पावर का स्रोत बन जाता है, जिसके द्वारा आप दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दूसरों पर अपना इंप्रेस अच्छा जमा सकते हैं, इंप्रेस छोड़ सकते हैं। आपको कोई समाज में स्थिति मिल गई है, आपने कुछ एफर्ट लगाया है, आपने पढ़ाई किया हुआ है, आपको कोई जॉब मिल गया है, या बड़े लेवल पर आप किसी गवर्नमेंट में के स्थिति में, यानी कि गवर्नमेंट में कोई ऐसी स्थिति पर है, आईएएस है, आईपीएस है, तो क्या है एक स्थिति है, तो आपकी जो प्राप्तियां और उपलब्धियां हैं, ये भी आपके स्रोत हैं आपकी शक्ति के। अगला है आपका संगठन। संगठन भी शक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। जब कोई व्यक्ति एक तरह की भावना के साथ उठ रहा होता है और वो अकेले है तो उसके पास उतना पावर नहीं होता, लेकिन उसी तरह की भावनाओं को लेकर के अगर हजारों लोग एक साथ जुड़ जाए, एक संगठन बन जाए, तो उस संगठन का पावर होता है। आपने कई सारे संगठन देखूंगा, आपने किसान यूनियन देखा होगा, आपने मजदूरों का यूनियन देखा होगा, आपने बिजनेस यूनियन देखा होगा, अलग अलग तरीके से जब कोई चीज़ एक संगठन में आती है, कहते हैं ना एकता में पावर होती है, जब कोई चीज़ एक शक्ति के रूप में एकता के साथ जुड़ करके आता है, तो वो भी एक अपने आप में पावर दिखाता है, अपने आप को पावरफुल बनाता है। जितने भी आप राजनीतिक पार्टियां देख रहे हो, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक तरह से संगठन ही तो है। चाहे जितनी भी पार्टियां, चाहे आप बीजेपी की बात कर लो, कांग्रेस की बात कर लो, सपा की बात कर लो, किसी भी पार्टी की बात कर लो, वो क्या है, एक संगठन ही तो है। तो संगठन अपने आप में क्या है, एक पावर देता है, जहां पर आप आगे चल करके अपने आत्मविश्वास के बल पर उसको, अपने जो भी संगठन है उसको एक पावर में या सरकार के रूप में भी बदल सकते हो, अगर आपके अंदर वो एबिलिटीज है तो। अगला चीज है आपका आकार, यानी कि संगठन अगर बन भी गया है तो संगठन का आकार डिसाइड करता है कि उसकी पावर कितनी है। अगर एक संगठन है उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, उसकी पावर लिमिटेड होगी। एक संगठन है जिसमें 100 लोग हैं, उसकी पावर और बढ़ गई। 1,000 है, लाख है, करोड़ है, उसकी पावर उतने लेवल पर बढ़ती चली जाएगी, उसकी शक्ति उतने लेवल पर बढ़ती जाएगी। तो शक्ति का स्रोत आकार भी है। एंड एक व्यक्ति अगर अपने आप में भी एक व्यक्ति बहुत हाइट वाला है, एक बहुत बड़ा, बहुत बॉडी बिल्डर है, एंड दूसरा सामने वाला एक व्यक्ति बहुत कमजोर है, तो दोनों में क्या हो गया, एक डिफरेंस हो गया, ये अपने आप को पावरफुल महसूस करेगा, शक्ति वाला महसूस करेगा। तो शक्ति का भी स्रोत क्या है, आकार। अगला चीज है आपका आत्मविश्वास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये शक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मान सकते हो। अगर आपके पास ज्ञान भी है, आपके पास उपलब्धियां भी हैं, आपके पास संगठन भी है, आकार भी है, लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है, आप में आत्मविश्वास की कमी हो गई है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है, तो कुछ भी आपको आगे नहीं कर सकता, आपको पावरफुल नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर आत्मविश्वास की कमी होगी, आप अपने आप को डाउन करता हुआ दिखोगे। तो आत्मविश्वास भी शक्ति प्रदर्शन का या शक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला चीज है आपका सत्ता, पावर। राजनीतिक पार्टियां, नेता, विधायक, सांसद, ये क्या एक पावर है। जब आप सत्ता में आ जाते हो तो आपके पास एक राजनीतिक पावर हो जाता है। राजनीति आपके अकॉर्डिंग चल रही होती है, आप लोगों पर मैनिपुलेट कर सकते हो, लोगों पर इम्पैक्ट डाल सकते हो, लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। तो सत्ता बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद आता है आपका विचार और कार्य। आपके विचार और कार्य भी शक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, और विचार आपको पावर देता है, विचार आपको वो शक्ति देती है जहाँ आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर अगर ऐसे विचार, जैसे तिलक ने विचार दिया हुआ था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अब उस जन्म से अधिकार को प्राप्त करने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दिया, लोग दूसरों को मारने को राजी थे, लोग अंग्रेजों को भारत से भगाने को राजी थे, वो पावर, वो शक्ति कहां से आती है, विचारों से। जब आपके विचार में कोई चीज आ जाता है कि हाँ इट्स राइट, ये हमारा अधिकार है, तो आप उसको कर सकते हो। गांधी जी के पास क्या था, मसल पावर था,
लोगों का बहुत ज्यादा मतलब गन पावर था, नहीं, पावर क्या था, विचारों का पावर था, अपने आइडियोलॉजी का पावर था। तो वो विचार वो पावर का यूज करते हुए गांधी कहां पहुंच गए, मंडेला कहां पहुंच गए। तो विचारों का में भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ी पावर है। इसके बाद आता है आपका परिस्थितियां। परिस्थितियां भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती हैं किसी भी सिचुएशन में। आपका सिचुएशन आपको पावरफुल भी बना देता है, कभी कभी किसी सिचुएशन में आप खुद को वीक भी महसूस करते हो, आप वीक होते भी हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप लेनिन की बात कर लो, लेनिन जो कि रूस में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और रूस के लोग उनको उनकी पूजा करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। तो रूस में जब ये चल रहा था यूरोप के बीच में, यह स्थितियां पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, तो उसमें क्या हुआ, जब लेनिन उसमें गए तो वहां पर क्रांति का माहौल था और लेनिन ने लीडरशिप कर दिया रूस की। लीडरशिप करने की वजह से वो एक लीडर बन गया, तो परिस्थितियों ने उनको वो बना दिया, अदरवाइज वो चीजें नहीं हो रही होती अगर वहां पर क्रांतियों का माहौल नहीं होता। तो इसी तरह से परिस्थितियां भी क्या है, एक स्रोत है किसका, शक्ति का। तो शक्ति के स्रोतों के बारे में हमने जान लिया, अब आओ आगे समझते हैं कि शक्ति के टाइप्स कितने हैं, प्रकार कितने हैं। तो देखो शक्ति के प्रकार के बारे में विद्वानों में बहुत ज्यादा मतभेद है, अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बात करते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि शक्ति का प्रयोग या शक्ति का प्रकार या शक्ति की सार्थकता वहीं तक है जहां तक आप किसी और के व्यवहार विचार उसकी जो भी समझ है उसमें अपना प्रभाव डाल सकते हैं, अपने प्रभाव के माध्यम से उसको बदल सकते हैं, उतनी ही आपकी पावर है, उतनी ही आप शक्ति है। तो शक्ति और पावर को ऑब्जेक्टिफाई करते हुए सिंप्लीफाई करते हुए तीन भागों में बांटा गया है। उसमें सबसे पहला चीज आता है आपका बल, आपका भौतिक बल, आपका फिजिकल बल, ये आपकी शक्ति का प्रकार है। आप किसी व्यक्ति पर अपने बल के माध्यम से धाक जमा सकते हो, उसके विचारों को उसके व्यवहारों को आप बदल सकते हो, उसके एक्शंस को बदल सकते हो, किस माध्यम से, बल के माध्यम से। दूसरी चीज है आपका प्रभुत्व, यानी कि आपने किसी चीज के बारे में कुछ बोल दिया, आपने कुछ कहा और लोग उसको मान रहे हैं, तो ये क्या है, आपका प्रभुत्व है। प्रभु किसको कहते हैं, जिसको लोग मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं। तो आपने कुछ कहा और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ये कहलाता है आपका प्रभुत्व। एंड तीसरी चीज है आपका चातुर्य, यानी कि जहां पर आप अपने बातों से अपने जो भी सोच विचार है उसके माध्यम से एक ऐसी विचारधारा डेवलप करते हैं जिसके लोग मानने लगते हैं, चाहे वो राजनीतिक स्थिति पर हो चाहे वो सामाजिक स्थिति पर हो। तो आप जब इस तरह के विचारों को व्यक्त करते हैं जहां आप डायरेक्टली किसी से नहीं करते तुमको ये करना है, बट एक सिस्टम आप ला देते हैं और सिस्टम के माध्यम से लोग काम करना शुरू कर देते हैं, आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए लोगों को अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकते हो, तो ये कहलाता है आपका चातुर्य। तो थर्ड चीज ये है। तो ये तो बेसिकली हो गया। अब इस पर विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से राय रखी है। मैक्स वेबर इस पर अपनी बात करते हैं, वायरस्ट्रेट इस पर अपना विचार रखते हुए अपने अलग अलग टाइप्स बताते हैं। तो मैक्स वेबर का जो टाइप्स है वो औचित्य पूर्णता पर आधारित है, यानी कि आंतरिक शक्ति पर आधारित है। इस पर व्यक्त करते हुए मैक्स वेबर कहते हैं कि शक्ति के प्रकारों के बारे में अगर बात करें तो ये कहते हैं सबसे पहली शक्ति है आपका कानूनी या वैधानिक। ये जो भी बात करते हैं वो रूल्स रेगुलेशन के अंडर में बात करते हैं कि यही पावर है जो राजनीति द्वारा शक्ति मिलती है, ये उसी को शक्ति मानते हैं। तो ये कहते हैं सबसे पहली पावर है कानून और वैधता, कानूनी और वैधानिक जो शक्ति आपको मिलती है कि कानून के माध्यम से अगर आप एक नेता या एक आईएएस ऑफिसर है तो आपके पास कुछ पावर्स है, कुछ शक्तियां हैं, वो शक्ति ही रियल शक्ति है जो आपको लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है, लोगों को अपने अकॉर्डिंग चला सकती है, अपने प्रभाव में रख सकती है। तो पहला इन्होंने बताया है एक प्रकार क्या है, कानूनी या वैधानिक। दूसरा है आपका परंपरागत, यानी कि परंपरा के रूप में अगर कोई आपको पावर मिल गई है, जैसे कि आपके पीढ़ियों में कुछ चला आ रहा था या आप कुछ ऐसे पीढ़ी से आ रहे हैं जिसके लोग पहले सुनते आ रहे थे और धीरे धीरे आपको वो पावर मिला हुआ है और आपके आने वाली पीढ़ियों में वो पावर चलता चला जा रहा है, तो ये कहलाएगा आपका परंपरागत। या फिर कोई रूल्स बना दिया गया है कुछ पावरफुल लोगों के द्वारा, कोई रूल बना दिया गया और लोग उसी का फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाता है, अपने आप में एक परंपरागत शक्ति है आपकी। तीसरी चीज है आपका करिश्माई, यानी कि एक ऐसी शक्ति जहां पर आपका प्रभुत्व आपकी शक्ति इस लेवल की हो जाती है जिसके बारे में लोग अंधविश्वासों की तरह फॉलो करने लगते हैं, अंधभक्तों की तरह फॉलो करने लगते हैं, जैसा आप बोलते हो वैसा लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस पावर को, इस प्रकार को कहते हैं हम करिश्माई शक्ति। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने तीन प्रकार से शक्ति को विभाजित किया है। शक्ति के बारे में बताते हुए वायरस्ट्रेट ने शक्ति के प्रकारों के बारे में इन्होंने अपने हिसाब से बताया हुआ है और इन्होंने कई आधारों पर शक्ति के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि पहला इन्होंने बताया हुआ है दृश्यता के आधार पर। दृश्यता के आधार पर शक्ति क्या है, तो दृश्यता के आधार पर शक्ति को दो तरह से कहा बताया जा सकता है। एक वो शक्ति जो हमें डायरेक्टली दिख रही हो, कोई व्यक्ति पावरफुल है, उसके पास पावर है, उसके पास सत्ता का पावर है, उसके पास राजनीतिक पावर है, उसके पास आर्थिक पावर है, जो हमें दिख रहा हो। और एक होता है अप्रोच पावर, जो दिख नहीं रहा होता है, अब दिख रहा होता है एक सिंपल व्यक्ति है लेकिन उसके पास राजनीतिक पावर भी होता है, कनेक्शंस होते हैं। तो इस तरह से दो तरह के पावर्स दृश्यता के आधार पर होते हैं। दूसरा होता है दमन की दृष्टि से
आधार पर भी पावर दो प्रकार का होता है, एक दमनात्मक, एक होता है अदमनात्मक। दमनात्मक मतलब वहां जहां आप कानून का अपने पावर्स का गलत तरीके से यूज करके अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, और दूसरा जो आप कानूनी दायरे में रह करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो दमनात्मक है जहां आप कानून के दायरे को लांघ करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और दूसरा है जो कानून के दायरे में जो कहते हैं अदमनात्मक, कानून के दायरे में रह करके आप यूज कर रहे हैं। एंड तीसरी चीज है आपकी औपचारिकता के आधार पर। औपचारिकता के आधार पर भी जो है दो प्रकार से होती है, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक मतलब आप कानून के हिसाब से कर रहे हो, अनौपचारिक मतलब आप कानून के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो लेकिन उसी का यूज करते हुए लोगों पर अपना विचार थोप रहे हो या अपनी मानसिकता डाल रहे हो। एंड इसमें आगे कहते हैं जे कि राजनीतिक पावर भी शक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपको पता होगा आप जिस भी राजनीति से रिलेट कर रहे हो तो राजनीति में भी बहुत बड़ी पावर है। आपके आसपास के एक छोटे से नेता को भी आप देखते होंगे, वो आपके पूरे समाज से पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पॉलिटिकल पावर है। आपके आसपास के चेयरमैन हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, मंत्री कोई है, उसके पास क्या है? एक पावर है, एक शक्ति है। तो ये जो कह रहा है दूसरा, राजनीतिक शक्ति भी शक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। एंड अगला है आपका आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति यानी कि धन, संपदा, जायदाद, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो ये भी पावर का बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये भी अपने आप में राजनीतिक पावर से कहीं गुना बड़ा भी हो सकता है किसी लेवल पर। आपने देखा होगा कई सारे स्थानों पर कुछ बिजनेसमैन, कुछ बड़े लोग जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, वो सरकार को मैनिपुलेट कर देते हैं या सरकार को एक तरह से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। या अगर उनके पास पैसा है, जैसे किसी के पास पैसा और उसने कुछ गलत भी कर दिया, तो वो पॉलिटिकल पावर का यूज करते हुए, राजनीतिक पावर का यूज करते हुए अपने आप को बचा लेते हैं, अपने आप को कोर्ट से बचा लेते हैं, अपने आप को जेल जाने से बचा लेते हैं, अपने ऊपर कोई भी कलंक लगने से बचा लेते हैं। किस पावर की वजह से? पैसे की पावर की वजह से। और ये शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण पावर है और इससे कई सारी चीजें की जा सकती हैं। जिसके पास पैसा है भी आज के डेट में आप समझ सकते हो, जिसके पास अरबों खरबों है, वो अगर कुछ गलत भी कर रहा है, लोग उसके खिलाफ सबसे पहली बात तो बोलेंगे नहीं जल्दी। अगर आपके गांव में ही कोई खरबपति है तो उसने अगर कुछ गलत भी कर दिया है तो पहली बार तो हजार बार आपको सोचना पड़ेगा उसके खिलाफ बोलने को, और अगर आपने बोल भी दिया उसके खिलाफ कुछ है, कानूनी भी आपने कर दिया, तो वो खरीद लेगा सामने वाले लोगों को, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल चीजें हों, वहां से पावर लगवा करके अपने आप को सेव कर लेगा। आपके जो ऑफिशियल चीजें हैं वहां से भी पावर लगा करके सेव कर सकता है पैसे के आधार पर। तो आर्थिक शक्ति भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पावर है। एंड इसके बाद आती है आपकी विचारधारा की शक्ति। विचारधारा की शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। ये आप यहाँ पर आप किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं, आप एक विचार प्रदर्शित करते हैं, एक विचार रखते हैं और उस विचार के अनुसार लोग उस विचार लोगों को पसंद आता है, लोगों के दिल को छूता है, लोग उस विचार पर अपने आप को न्योछावर करने को तैयार हो जाते हैं या उस विचार के अनुसार चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कहलाता है आपका वैचारिक पावर, विचार की शक्ति, विचारधारा की शक्ति। तो इस तरह से शक्ति के ये प्रकार हैं। तो हमने देखा शक्ति क्या है, शक्ति के बारे में विद्वानों ने क्या कहा है, शक्ति के स्रोत क्या है, शक्ति के प्रकार क्या है, विद्वानों ने इस पर अपने क्या राय रखी हुई, ये सब हमने बात कर लिया है। अब हम आगे बात करेंगे सेकंड टॉपिक के बारे में। तो अब हम समझने वाले हैं प्रभाव के बारे में कि प्रभाव क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम समझें प्रभाव क्या होता है, तो एक व्यक्ति का इम्पैक्ट सामने वाले व्यक्ति पर क्या पड़ता है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसके पर्सनालिटी का, उसके कार्यों का, उसके पदवी का, उसकी स्थितियों का सामने वाले पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो प्रभाव कहलाता है। देखो प्रभाव में क्या होता है कि हम बिना शक्ति के प्रयोग के, हमारी पर्सनालिटी के दम पर लोग हमें इस तरह से देख रहे हैं या इस तरह से हमें मान रहे हों, अपनी पर्सनालिटी के दम पर लोगों के व्यक्तित्व को चेंज कर देना, लोगों के पर्सपेक्टिव को चेंज कर देना, लोगों के बीच एक परिवर्तन लाना, जहां आपकी पर्सनालिटी के माध्यम से आप चेंज ला रहे हो, तो वो कहलाता है आपका प्रभाव। और जहां आपने शक्ति का प्रयोग कर दिया, वो आपका शक्ति हो जाएगा कि आपने जबरदस्ती कार्य करवा लिया। तो इस पर अपना विचार रखते हुए, प्रभाव पर अपना विचार रखते हुए रॉबर्ट डाल कहते हैं कि प्रभाव एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर ही अभिजन वर्ग बहुसंख्यक वर्ग पर शासन करता है। यानी कि प्रभाव ही एक ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर एक अभिजन वर्ग पूरे सामान्य वर्ग पर या जो बहुसंख्यक वर्ग है उस पर शासन करता है। इनके प्रभाव ही एक ऐसा स्थिति है कि एक व्यक्ति जो होता है, देखो जितने भी दुनिया में पावरफुल लोग हैं उनकी संख्या क्या है, बहुत कम है। इवन 1% भी पावरफुल लोग नहीं है और 99% लोगों पर वो लोग शासन कर रहे हैं। क्यों? प्रभाव की वजह से, कि उनका इम्पैक्ट है, चाहे वो धन के रूप में हो, सत्ता के रूप में हो, शक्ति के रूप में, उनका इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर। तो प्रभाव एक ऐसा बल है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर यह विजन वर्ग क्या करता है, बहुसंख्यक वर्ग पर शासन करता है। इस पर अपना विचार रखते हुए लास्बल कहते हैं कि प्रभाव जो है वो मूल्य, स्थिति और व्यक्ति या समूह की क्षमता है।
यानी कि प्रभाव जो है वो एक स्थिति की, एक मूल्य की और एक व्यक्ति या समूह की क्षमता है, पावर है, वही है उसका प्रभाव। एंड इस पर अपना विचार रखते हुए रोवे कहते हैं कि प्रभाव सर्वत्र असमान रूप में पाया जाता है, यानी कि इस प्रभाव समान रूप में नहीं होता है। हर किसी के प्रभाव अलग होता है, हर टाइम पीरियड पर अलग होता है, हर सिचुएशन पर अलग होता है, हर व्यक्ति के समक्ष अलग होता है। ये हमेशा प्रभाव सभी के लिए समान नहीं होता है। एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी किसी के लिए हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव हो, किसी के लिए वो बेवकूफ हो, किसी के लिए वो फॉलो करने के योग्य हो, किसी के लिए फॉलो करने के योग्य ना हो। तो चीजें क्या है कि ये असमान होता है, हर जगह पर असमान रूप में पाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रभाव क्या हो रहा है। अब प्रभाव को पाने का या प्रभाव को ग्रांट करने का, प्रभाव को लेने का, प्रभाव को समझने का स्रोत क्या है, प्रभाव क्या है, इसके स्रोत क्या है। तो प्रभाव का सबसे पहला स्रोत है आपका संपत्ति। आपको पता है संपत्ति क्या होती है, धन, संपदा। और अभी जिस युग में आप रह रहे हो, इस युग में तो संपत्ति का बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे का बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी कि जिसके पास ये है वो सर्वत्र रूप से एक पावर उसके अंदर अपने आप आती है और उसका इंपैक्ट लोगों के बीच अपने आप रहता है। आप एक ऐसे समाज में रह रहे हो उसमें अगर कोई बिलियनियर है तो उसका अपने आप समाज पर इंपैक्ट है। वो कुछ बोलता है उस बातों की इंपॉर्टेंस है, वो समाज में कुछ रखता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसकी इंपॉर्टेंट है, वो समाज में चला जाता है जिस समाज में, जिस महफिल में, उस महफिल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो संपत्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है प्रभाव का। आप कोई व्यक्ति है जो बढ़िया लेक्चर दे रहा है, बहुत बढ़िया बातें कर रहा है, बहुत अच्छा कुछ बोल रहा है, उसकी बात लोग उतने ध्यान से नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर एक करोड़पति, एक अरबपति, एक खरबपति आकर के अगर कोई बात बोल रहा है, वो दो करोड़ की बात बोल रहा हो, फिर भी लोग सुनेंगे। क्यों? प्रभाव। प्रभाव है उसके संपत्ति का, उसके पैसे का लोगों के ऊपर। तो प्रभाव का एक महत्वपूर्ण साधन है, एक स्रोत है संपत्ति। दूसरा चीज है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी एक समाज का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। जैसे कहते हैं ना, स्वास्थ्य, एक शरीर का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एक प्रभावपूर्ण, शक्तिशाली, पावरफुल दिखना है तो आपको उसके लिए स्वस्थ होना जरूरी है। अगर आप मरीज की तरह मरे जा रहे हो तो आपकी पावर, शक्ति कितनी भी हो, वो इम्पैक्ट नहीं दिखा पाएगी। और अगर एक राज्य है तो एक राज्य के लिए शांति ही उसका स्वास्थ्य है। अगर एक राज्य शांतिपूर्वक रन कर रहा है, एक राज्य शांतिपूर्वक अच्छे से चल रहा है, इस मीन्स वो स्वस्थ है। और ये एक राज्य की जो प्रभाव है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राज्य का जो प्रभाव होता है उसकी जनता पर, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा राज्य स्वतंत्र है, सुखी है, बेहतर है। तो दूसरा है स्वास्थ्य। तीसरी चीज़ है इसमें शिक्षा। तो शिक्षा क्या करता है कि इम्पैक्ट डालता है लोगों पर कि आप ये हो, आपकी पर्सनैलिटी ये है, आपकी बातों में, आपके एक्शंस में वो दम दिखाई देता है। क्योंकि अगर आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया, शिक्षा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन जिसका आप यूज कर सकते हो दुनिया को बदलने के लिए। तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा अगला है आपकी व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व भी प्रभाव डालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पर्सनालिटी क्या है, कई बार लोग आपकी पर्सनालिटी से इंप्रेस हो जाते हैं, या पर्सनालिटी ही आपकी इस तरह से होती है कि लोग आपको देख करके ही वो चीज़ मानने को राजी हो जाते हैं। एक आपका एग्जिस्टेंस ही अपने आप में एक प्रभावकारी होता है। तो व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभाव के लिए। आकर्षण, कई बार क्या होता है, आकर्षण से ही जो है प्रभाव डालने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। जैसे कि आप इलेक्शंस में देख लो, आपको आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग कैंपेन चलाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से वादे होते हैं, नारेबाजियाँ होती हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर हम सत्ता में आए तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे लिए ये अच्छा करेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, और उसके बहाव में आकर के लोग वोट भी दे देते हैं और पार्टियाँ जीत भी जाती हैं। तो आकर्षण भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है प्रभाव का। अगला है आपकी कुशलता, आपकी एक्सपीरियंस। ये भी आप का इंपैक्ट लोगों पर डालता है कि ये व्यक्ति इतना कुशल है, इतना सक्षम है, ये कर सकता है, इसके अंदर ये पावर, इसकी एबिलिटीज है। तो ये क्या कर रहा है, अपने आप में एक व्यक्ति के प्रभाव को व्यक्त कर रहा है। कुशलता आपकी स्किल्स आपकी इंपॉर्टेंस को इनहेंस करते हैं, आपके इंपॉर्टेंस को बढ़ाते हैं। तो ये हो गया प्रभाव के स्रोत। अब प्रभाव के लक्ष्य क्या है, क्या क्यों डाला जाता है प्रभाव, प्रभाव का क्या महत्व है। तो देखो, प्रभाव का लक्ष्य, प्रभाव का महत्व यही है कि एक ऐसे समाज की स्थापना किया जा सके जिस समाज में एक रूल के माध्यम से चल सके। एक शासन है, एक शासन का अगर प्रभाव नहीं है, उसकी कार्य जो पालिका है, इसे देश है, एक देश है, इस देश में अगर पुलिस का कोई प्रभाव ना रहे, कोई इम्पैक्ट ना रहे, कोई डर ना रहे लोगों के अंदर, लोग उसको किसी तरह से ले ना रहे हो, तो उसके बाद तो कानून की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, संविधान की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। तो उसको फॉलो करवाने के लिए कार्यपालिका है जिसका इंपॉर्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका लक्ष्य ही प्रभाव का ही होता है कि आप लोगों पर बिना दबाव डाले, बिना लोगों के साथ जबरदस्ती किए ही लोग उस तरह के संविधान एक बना हुआ तो संविधान का फॉलो कर सकें, कोई रूल बनाया जा रहा है, रूल रखा जा रहा है तो उसका फॉलो कर सकें। तो ये एक लक्ष्य है संविधान प्रभाव डालने का कि प्रभाव अगर रहेगा तो लोग बिना जबरदस्ती के वो काम कर सकेंगे अपनी इच्छा के अनुसार। ओके, तो आई होप आपको प्रभाव अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं प्रभाव का अगला टॉपिक, प्रभाव से सत्ता, पावर,
सत्ता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, सत्ता के बारे में कि सत्ता क्या है। तो देखो, सत्ता अपने आप में आपको समझ में आ रहा होगा कि पावर का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, शक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अब किसी भी राज्य में अगर शक्ति है किसी भी राज्य को, तो शक्ति राज्य और सरकार के होने से नहीं होती है, बल्कि अगर उसमें सत्ता है और वो सत्ता पावर में है तो वही कहलाएगी आपकी राज्य, और एक बेहतर राज्य के लिए सत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी के युग में कहा जा सकता है कि सत्ता के बिना किसी भी राज्य के एग्जिस्टेंस को पूरे विश्व में कहीं भी सोचा भी नहीं जा सकता है। तो सत्ता क्या है? सत्ता मतलब है कि एक आपको स्थिति प्रदान की जाए, एक आपकी एग्जिस्टेंस की कोई महत्व हो, आप एक सत्ता में आधारित है, यानी कि आपको एक भी मिल चुकी है, आप उस पदवी के माध्यम से लोगों में एक रूल लेकर के आ रहे हैं, एक समाज में समाज को अच्छे तरीके से कैसे रन किया जाए उसके लिए आप काम करना है आपको, और आप उस समाज के लिए जिम्मेदार हो, आप एक सत्ताधारी हो। तो आपको सत्ता में इस तरह से चीजें हैं, सत्ता ये है। तो अब सत्ता के बारे में विचार रखते हुए फ्रेडरिक कहते हैं कि सत्ता क्या है। तो फ्रेडरिक इस पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि सत्ता के माध्यम से, सत्ता जो है वो तर्क के माध्यम से यह निश्चित करने की क्रिया है कि जो बताए कि कौन सा कार्य इच्छा और प्राथमिकता के आधार पर उचित है, कौन सा उचित नहीं है, कौन सा रूल होना चाहिए, कौन सा रूल नहीं होना चाहिए, क्या समाज के लिए अच्छा है, क्या समाज के लिए बुरा है, समाज को किस तरह से कौन सी चीज फॉलो करनी चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो पूरी की पूरी संविधान ही एक तरह से कह सकते हो सत्ता है, पावर है। तो सत्ता के बारे में इस तरह से फ्रेडरिक बताते हैं। सत्ता के बारे में बायस्टेड कहते हैं कि सत्ता एक औचित्यपूर्ण शक्ति है। औचित्यपूर्णता मतलब क्या है? वैधता, कि एक वैधता उस पर रख दी गई कि हाँ ये चीज वैलिड है, ये चीज वैध है। जो क्या होता है, जैसे एक पैसा था जिसको 2015 में बैन किया गया है, जिन पैसों को 1000 और 500 के नोट को, उस पर भी क्या थी? एक वैधता थी कि हाँ ये वैध है, ये भारत सरकार के द्वारा मान्य है। और जब तक वो इस पर भारत सरकार ने वैधता रखी हुई थी, तब तक उस कागज के टुकड़े की वैल्यू 500 और 1000 थी। और जिस दिन उसने कहा कि नो इट इज नॉट वैलिड, ये वैध नहीं है, उसी दिन से सत्ता के उस फैसले की वजह से उसी दिन से उस पैसे की वैल्यू कागजों की जैसी हो गई। 1000 500 के जो नोट थे उनकी वैल्यू एक कागज के बराबर होकर के रह गई। तो वैधता क्या कह रहा है कि सत्ता औचित्य पूर्णता की शक्ति है, यानी कि औचित्य पूर्णता यानी कि वैधता की शक्ति है, जहां पर वैधता रखी जाए वही उसकी शक्ति है। अभी हमने समझ लिया कि क्या है सत्ता। अब सत्ता के स्रोत क्या है, सत्ता के प्रकार क्या है। तो सत्ता के स्रोत और प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला टाइप इसमें उभर करके आता है सत्ता को समझने का। सत्ता मतलब एक पॉलिटिकल पावर ही आप समझ सकते हो। तो सत्ता का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहला प्रकार या स्रोत है, वो है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता, आई होप इसको आप समझ पा रहे होंगे। परंपरागत मतलब परंपरा के अनुसार हमें मिलता चला आ रहा है, बैक टू बैक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन। जैसे कि पहले राजाओं में होता था, राजा उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा ही राजा बनता चला आएगा। मतलब एक सत्ता पूरी तरह से एक बे में चली आ रही हो, तो ये कहलाता है आपका परंपरागत सत्ता या परंपरागत अधिकार या परंपरागत राज्य। तो क्या है? मतलब एक परंपरा के अनुसार बैक टू बैक सीरीज में चलते चले जा रहे हैं, उनके अनुसार किसी और को ये पावर नहीं है कि वो राज्य पर अधिकार, मतलब राज्य चला सके या सत्ता पर अधिकार कर ले। तो ऐसी सत्ता को कहते हैं हम परंपरागत सत्ता। एंड परंपरागत सत्ता के बाद दूसरा आता है आपका वैधानिक या फिर विवेकपूर्ण सत्ता। वैधानिक मतलब जहां पर एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से किसी को बना दिया जाए, किसी को पावर में दे दिया, जैसे कि एक आईएएस बन गया, अब आईएएस के पास कुछ पावर्स दिया गया, कुछ शक्तियां दी गई हैं। तो क्या है वैधानिक या विवेकपूर्ण सत्ता, यानी कि कोई व्यक्ति बाद में आकर के अपने दम पर, अपने स्किल्स के दम पर, अपने एबिलिटीज के दम पर किसी सत्ता के निर्धारण करता है, एक सत्ता को चलाता है, तो वो कहलाता है आपका वैधानिक और विचारपूर्ण सत्ता। एंड तीसरा है आपका करिश्माई सत्ता। यानी करिश्माई सत्ता से एक तात्पर्य यह है कि एक ऐसी सत्ता चल रही हो जहां पर लोग अपने राजा का या जो भी उस सत्ता पर धारी है, उस धारी सत्ताधारी के प्रति इस तरह से अंधभक्तों की तरह हो जाए कि वो जो कह रहा हो उस पर विदाउट एनी वट एंड इफ लगाए, कोई क्वेश्चन किए, उसको फॉलो करते चले जा रहे हो। यानी कि एक तरह से मतलब उस पर इतना ज्यादा भरोसा हो जाए कि हाँ ये जो बोलेगा या ये जो करेगा दैट विल बी ऑलवेज करेक्ट, इस तरह से हो जाए, तो ऐसी सत्ता को कहते हैं हम करिश्माई सत्ता। तो इस तरह से सत्ता को हमने देखा कि सत्ता की ये तीन बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है, इसी तरह सत्ता होती है। एंड इसके बाद आता है अगला टॉपिक कि सत्ता की सीमाएं क्या है। कोई भी सत्ता है, कोई भी पावर है, कोई भी राजनीति है, कोई भी राज्य है, उसकी सीमाएं क्या है। तो देखो, किसी भी सत्ता की सीमा है उस लेवल तक जहां तक उसके जो जन सहमति है, जो जन है, उसकी राज्य की जनता है, उसकी सहमति को लाग करके पार ना चला जाए। यानी कि एक ऐसे लेवल तक ही काम किया जाए जहां तक जनता सहमत हो। अगर आप उस सहमति
प्रति की जो बाउंड्री है ना उसको क्लियर करते हुए, उस बाउंड्री को पार करते हुए बाहर निकलोगे तो जनता विद्रोह करेगी और आपकी सत्ता कैसी भी सत्ता हो, चाहे परंपरागत हो, चाहे वैधानिक हो, चाहे आपकी करिश्माई सत्ता हो, वो टूटने में टाइम नहीं लगेगा और उसको खत्म होने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो सत्ता की सीमाएं वहीं तक है जहां तक जनता उसको सहन कर सके, जनता के लिए जहां तक बेहतर हो। आप जनता से थोड़ा बहुत कुछ चीजें कर सकते हो, लेकिन अगर आप जनता को पूरी तरह से दबाना चाहोगे तो वो आपकी सत्ता का आखिरी टाइम होगा, यानी इसकी सत्ता आपकी खत्म होने लगेगी। तो अब समझते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट को। लास्ट पॉइंट आपका क्या है? वैधता। वैधता को शुद्ध भाषा में कहते हैं औचित्यपूर्णता। औचित्यपूर्णता मतलब हम अपने चित्त से जिस चीज को समझ ले कि हाँ ये पूर्ण है, ये सही है, ये होना चाहिए, तो उसी को कहते हैं हम वैधता, जिसको हमने वैधता दे दी कि दैट्स राइट, दैट्स गुड, ये चीज अच्छी है, ये चीज होनी चाहिए, वो कहलाता है आपका वैधता, औचित्यपूर्णता। एंड इसमें इसको लेकर के औचित्यपूर्णता मतलब वैधता किसी चीज़ को हम ग्रांट कर दें कि ये हाँ ये चीज़ ये रूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक वैधता दे दें कि हाँ ये चीज़ राइट है, ये चीज़ रॉन्ग है। इस पर अपना विचार रखते हुए मैक्स वेबर कहते हैं कि वैधता विश्वास पर अवलंबित एक विचार और अवधारणा है। एक विश्वास होता है जैसे कि कोई किसी चीज़ को जनता ने वैधता दे दी है या सरकार ने वैधता दिया है कि हाँ ये समाज में होना चाहिए, ये कानून के दायरे में है, ये सही है या ये गलत है, इस तरह से वैधता दिया है। तो वैधता क्या कह रहा है कि विश्वास पर अवलंबित एक विचारधारा है, यानी कि उस पर जनता ने विश्वास किया है कि हाँ ये चीज़ सही है, उनके समाज के लिए सही है, उनके लोगों के लिए सही है, उनके जीवन में विकास के लिए सही है। ये चीज़ें जब हम समझते हैं, एक विश्वास होता है जनता का, और जब तक वो विश्वास कायम है तब तक उस चीज़ की वैधता कायम है। तो इसीलिए कहते हैं वैधता जो है वो विश्वास पर आधारित एक विचार और अवधारणा है। इसी पर अपना विचार रखते हुए एमएम सिल्वेट कहते हैं कि किसी विशिष्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिरता न केवल आर्थिक विकास पर निर्भर करती है बल्कि राजनीतिक व्यवस्था की औचित्यपूर्णता यानी कि वैधता पर भी निर्भर करती है। यानी कि किसी राज्य का, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की अगर स्थिरता बनानी है, उसको आगे ले करके जाना है, उसको स्थिर बना करके एक पोटेंशियल, एक पावरफुल राज्य बनाना है, तो उसके लिए केवल आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है होनी चाहिए, बल्कि जो राजनीतिक स्थिति में बात करें औचित्यपूर्णता की, जो उसके लोगों, उसने जो रूल्स बनाए हैं, जो कानून है, जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लोगों के बीच उनके कर्तव्य हैं, वो भी बहुत सॉलिड होना चाहिए, बहुत पावरफुल होना चाहिए और जनता के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो कितना भी आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं, अगर आपके राज्य के अंतर्गत ही कलह स्टार्ट हो जा रही है तो फिर वो चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती हैं। तो इस तरह से विचार रखते हैं विद्वान अपना औचित्यपूर्णता पर, वैधता पर, क्योंकि वैधता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब वैधता के बारे में समझते हैं कि औचित्यपूर्णता ये जो वैधता है इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये समाज में क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है सामाजिक स्वीकृति पर आधारित, यानी कि जो वैधता है ये सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होती है कि ये रूल जो भी गवर्नमेंट पास कर रही है क्या ये जनता के लिए बेटर है। अगर जनता उसका पूरी तरह से विद्रोह कर देती है, उसका उसके बहिष्कार करने की बात करती है, तो वो रूल काम नहीं करेगा एंड उसको वैधता नहीं मिल पाएगी। वैधता जो होती है वो केवल किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं है कि इसने डिसाइड कर दिया वो वैध है, उसने डिसाइड किया, अगर मान लिया वो राज्य में है या सत्ता में है, पावर में, उसने डिसाइड किया और जनता ने पूरी तरह से उसका सपोर्ट किया, तब वो राज्य में आएगा, तब वो वैध माना जाएगा, किसी एक व्यक्ति से वैध नहीं माना जाएगा। तो वैधता की विशेषता है कि ये क्या होता है, सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होता है। दूसरा है सत्ता में परिवर्तन करने का साधन। वैधता क्या है, जैसे कि हमने वैधता दे दिया है एक पावर को, एक सरकार को, एक व्यक्ति को, हाँ कि ये वैध है, ये मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, अब सत्ता में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसमें कैसे कैसे चेंजेस करना है, क्या करना है, हमने उसको बना के बैठाया हुआ है कि हमारा पीएम है, ये डिसाइड करेगा कि क्या चीज़ें करनी है। तो सत्ता में क्या है कि सामाजिक परिवर्तन लाने का साधन भी है। अगला चीज़ है व्यक्तित्व और सामाजिक मूल्यों की महत्ता, यानी कि जो वैधता है उसमें कहीं ना कहीं आपको व्यक्तित्व और सामाजिक मूल्य जरूर दिखेंगे कि ये सामाजिक मूल्य है। कुछ भी चीज़ अगर वैध की जा रही है तो वो कभी भी अपने कल्चर के खिलाफ जा करके नहीं की जाती, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग समाज के लिए जो बेहतर है उसी को वैधता दिया जाता है। तो वैधता के बारे में बात करते हुए कह रहा है क्या कि ये व्यक्तित्व और सामाजिक मूल्यों की महत्ता को व्यक्त करता है, दिखाता है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें वैध है, कौन सी चीज़ें भारत में वैध है या विदेशों में वैध है, उसको दिखाता है। अगला चीज़ है आपका जन आस्था का विकास करता है, यानी कि लोगों की एक आस्था होती है ना, पूरी जन की आस्था कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, हमारा जो जिसको हमने चुना है या जो भी राजनीति में हमारे देश में है, जो भी गवर्नमेंट में है, राज्य राज्य सरकार जो सत्ता है वो हमारे लिए अच्छा कर रही है, यानी कि जन आस्था का एक विश्वास होता है, लोगों की आस्था होती है कि यहाँ से जो भी फैसला होगा, जो भी चीज़ें कही जाएंगी वो राइट होगा। तो इसकी विशेषता क्या है, वैधता की, ये जन आस्था का विकास है। अगला चीज़ बात करते हैं कि औचित्यपूर्णता के आधार क्या है, वो बेस पॉइंट क्या है जिस पर औचित्यपूर्णता यानी वैधता टिका हुआ है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है सुरक्षा और समाज कल्याण की भावना। किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए सुरक्षा
बहुत इंपॉर्टेंट चीज निभाती है, सुरक्षा और सार्वजनिक कल्याण, कि सभी का कल्याण हो ऐसा रूल होना चाहिए, ऐसी चीज को वैधता मिलनी चाहिए जो जिससे हमारा देश सुरक्षित रह सके और समाज में कल्याण की भावना आ सके और समाज का विकास हो सके, समाज का कल्याण हो सके। दूसरा इसका आधार है वो है मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण, यानी कि जो भी जिस भी चीज़ को वैधता दी जाएगी वो कभी भी मूल्यों के खिलाफ नहीं होगा, वो मूल्यों के आधारित होगा या मूल्यों पर ही आधारित होना चाहिए, वो चीज़ परंपराओं के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, परंपराओं का संरक्षण होना चाहिए। अगला चीज़ है राजनीतिक विचारधारा से लगाओ, यानी कि जो वैधता होती है वो एक व्यक्ति के राजनीतिक विचारधारा से लगाव को दिखाती है कि जनता का लगाव है उस पार्टी के साथ या उस विचारधारा के साथ व उस संगठन के साथ जिसमें वो सरकार बनी हुई है, जिसके पास ज़्यादा लोग हैं या पावर है, ज़्यादा सीटें मिली हुई हैं, उसी की तो गवर्नमेंट बनती है। अब उसकी गवर्नमेंट बन गई है, अब गवर्नमेंट का लोगों के प्रति एक लगाव होता है, लोगों का जो है राजनीतिक विचारधारा से लगाव होता है कि ये विचारधारा सही है, हमारे समाज के लिए अच्छा करेगी, ये बेटर करने वाली है, तो उससे एक लगाव होता है, तो ये भी एक बेस पॉइंट है इस चीज़ का। अगला है राष्ट्रवाद की भावना होती है, यानी कि जब भी हम चाहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो राष्ट्रवाद की बात करे और राष्ट्रवाद की भावना से हम लगा हो, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट राष्ट्रवाद की बात करती है ना तो पूरा देश एक हो जाता है, यूनाइटेड महसूस करता है, तो जो वैधता है वो उसी को मिलती है या उस गवर्नमेंट का लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो राष्ट्रवाद की तरफ पड़ रही होती है। अगली चीज़ है जनोन्मुखी प्रवृत्ति जो है, यानी कि जिसमें ऐसी वैधता हो जो हर किसी के लिए बेटर हो, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा हो कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ अच्छी है, तो जनोन्मुखी जो कहते हैं ना वो प्रवृत्ति लोगों के अंदर होनी चाहिए, यह प्रवृत्ति आपके रूल्स में आनी चाहिए जिससे कि उसको वैधता मिलना आसान हो सके। अगला टॉपिक है कि वैधता के स्रोत क्या है, आखिर जैसा कि हमने देखा है शक्ति के स्रोतों को, प्रभाव के स्रोतों को, सत्ता के स्रोतों को, वैधता के स्रोत भी देखें कि क्या है, कौन सी चीजें हैं जिससे वैधता के बारे में पता चलता है। तो वैधता का पहला स्रोत है आपका परंपरा, यानी कि जो भी चीज़ें वैध होती हैं वो धीरे कहीं ना कहीं आपकी परंपराओं से रिलेट कर रही होती है, जैसा कि आपका कल्चर होता है, जैसे आपकी परंपरा होती है उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या कर रही होती है, रिलेट कर रही होती है। तो पहला स्रोत हो गया आपका परंपरा। दूसरा है करिश्माई व्यक्तित्व, यानी कि आपका एक ऐसा व्यक्तित्व हो वो भी क्या है, एक करिश्माई व्यक्तित्व जिसको लोग अंत वक्तों की तरह फॉलो कर रहे हो, आपको पूरी तरह से आप जो बोल दे रहे हो या मतलब कोई सत्ता में है बोल दे रहा है और पूरी जनता उस पर फॉलो कर रही है, तो ये भी क्या है, ये भी वैधता का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है कि आपको लोगों ने वैध बना दिया है कि हाँ आपने जो कहा दैट्स राइट। तो वैधता के स्रोत में करिश्माई व्यक्तित्व आ गया। कानूनी बौद्धिक सत्ता, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर कानूनी क्षेत्र पर बैठाया हुआ है, जज बना करके बैठाया हुआ है, तो यानी कि उस पर भरोसा है कि वो जो फैसला लेगा वो सही होगा, तो कानूनी बौद्धिक सत्ता हो गया। व्यवहार व और अनुभाविक, यानी कि जिसको जो भी चीज़ें वैधता दी जाती हैं वो व्यवहारिक होनी चाहिए, अनुभव के आधार पर उसको सही ठहराया जाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ सही है, तब उसको वैधता दिया गया है। अगली चीज़ है निर्वाचन, यानी कि उसमें अगर निर्वाचित किया गया, जैसे किसी को वैधता दिया गया है कि MP है, MLA है, वो किस रूप में वैध है, निर्वाचन के रूप में। अगला टॉपिक है आपका मूल्य परख, यानी कि जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो हमारे मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, कल्चर्स पर आधारित होनी चाहिए, वैधता उसको ही मिलती है। तो ये चीज़ें हैं, ये स्रोत हैं वैधता पाने की। तो आई होप आपको वैधता अच्छे से समझ में आया होगा कि औचित्य पूर्णता और वैधता क्या है। अब आगे आपको पढ़ना है कि इसका दो इनका संबंध क्या है, जैसे शक्ति और प्रभाव में क्या संबंध है, शक्ति और सत्ता में क्या संबंध है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी समझना पड़ेगा, शक्ति और वैधता में क्या संबंध है, शक्ति और वैधता में डिफरेंस क्या है, ये आगे हमें पढ़ना है। तो आओ आगे देखते हैं।